हिम्मतनगर मेडिकल कॉलेज ने एसबीआई बैंके 5 वेंटिलेटर की भेट आपी। मेडिकल कॉलेज की सुविधा में वधारो थता जिल्ला की जनता ने लाभ थशे। साबरकांठा जिल्लानी मेडिकल कॉलेज हिम्मतनगर ने जिल्ला समाहर्तानी उपस्थिति में भारतीय स्टेट बैंक SBI द्वारा 5 वेंटिलेटर अर्पण कराया था। हाल में कोरोना महामारी में भारत की मोटी बैंक गणाती भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आम जनता ने अने वहीवटी तंत्र ने मददरूप थवा माटे राज्य की 5 मेडिकल कॉलेजों ने 25 वेंटिलेटर आपवामां आव्या हता। आ प्रसंगे जिल्ला समाहर्ता वहीवटी तंत्र वती वेंटिलेटर स्वीकारता जणाव्युं हतुं के भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कोरोनाना कारणे खूब ज सारी सेवाओं करवामां आवी रही छे। अगाउ बैंक द्वारा मास्क, हेन्ड सेनिटाइजर तेमज PPE किट जेवी खूब ज जरूरियातनी वस्तुओ हॉस्पिटलने भेट आपी कोरोना वॉरियर्स तरीके काम करता डॉक्टरो अने नर्सोनो उत्साह वधार्यो छे। आ वेंटिलेटर मळवाथी जिल्लानी आरोग्य सुविधामां वधारो थयो छे। मेडिकल कॉलेज खाते 43 वेंटिलेटर हता, जेमां नवा 5 वेंटिलेटर उमेराता आजे मेडिकल कॉलेज में 48 वेंटिलेटर उपलब्ध थया छे, जेना कारणे इमरजेंसी समय वधु लोकोना जीव बचावी शकाशे, जेथी जिल्लानी जनताने घर आंगणे मेडिकलनी सारी सुविधाओ आपी शकाशे। आ साथे समग्र जिल्ला वहीवटी तंत्र अने जनता वती SBI बैंकनो आभार मान्यो हतो। आ प्रसंगे भारतीय स्टेट बैंक SBIના ગુજરાત રિજિયોનલ હેડ દુખબંધુ રથી જણાવ્યું હતું કે કોરોનાના ખપરાકારમાં ડોક્ટરો અને નર્સો ફ્રન્ટલાઇન વોરિયર્સ તરીકે દર્દીઓની ખૂબ જ સારી સેવા કરી રહ્યા છે। ડીન સાહેબ, સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ શ્રી આરએમઓ, તમામ આપણા હોસ્પિટલના સ્ટાફ મિત્રો અને બેંકના અન્ય અધિકારીઓ પણ જે ઉપસ્થિત છે, તમામ અધિકારીઓ જેમ આપણે નામ સાહેબનું છે, દુખબંધુ સાહેબ છે, આપણું આ દુઃખ દૂર કરવા માટે આજે આપણી વચ્ચે આવ્યા છે। આપણું જે દુઃખ આપણું વેન્ટિલેટરની થોડી અછત રહેતી હતી, એમાં એક વધારાનું આપણે આ વાત આપીને આપણું દુઃખ હળવું કર્યું છે, એના માટે સમગ્ર એમની ટીમને હું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક અભિનંદન આપું છું। એ ખૂબ મોટું કામ કર્યું, કંઈ ને કંઈ આપવા માટેની વાત છે, પ્રેરણા મળે એમાં। સમયમાં દેશ પર આવી પડેલ આફતમાં જનતાને મદદ કરવી એ બેંક તરીકે અમારી ફરજ છે। રાજ્યને આ મહામારી સામે લડવા SBI ગુજરાતના કર્મીઓએ રૂપિયા 11.11 લાખનું દાન કર્યું છે। સાથે બેંકે પણ રાજ્યની જુદી જુદી 5 મેડિકલ કોલેજોને 5-5 વેન્ટિલેટર આપવામાં આવ્યા છે। અગાઉ બેંક દ્વારા 5000 PPE કિટ, 1.50 લાખ હેન્ડ ગ્લોવ્સ, રૂપિયા 50 લાખ જેટલા ત્રિપલ લેયર માસ્ક મુખ્યમંત્રી રાહત ફંડમાં આપવામાં આવ્યા છે। આ પ્રસંગે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પટેલ, મેડિકલ કોલેજના ડીન ડૉક્ટર આશિષ કતાકર, CDMO ડૉક્ટર મયુર ગાંધી, RMO ડૉક્ટર NM શાહ, હિંમતનગર પ્રાંત યતિનભાઈ ચૌધરી, SBI જનરલ મેનેજર રમેશ અગ્રવાલ, રિજિયોનલ મેનેજર વિમલ ખાબિયા, બ્રાન્ચ મેનેજર શરદ પિલ્લઈ તેમજ મેડિકલ કોલેજના ડૉક્ટરો, નર્સો અને સ્ટાફ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। રિપોર્ટ JDSTV સાબરકાંઠા। યહાં સાબરકાંઠા કે જો હિંમતનગર હોસ્પિટલ મે હમને 5 વેન્ટિલેટર કી વ્યવસ્થા કિયે હૈ ભારતીય સ્ટેટ બેંક ઓર જો હમારે SBI ફાઉન્ડેશન કે તરફ સે। આપકો યે બોલને મે મુજે બહોત અચ્છા લગતા હૈ કી ભારત કે સબસે બડા બેંક ભારતીય સ્ટેટ બેંક कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कोविड महामारी के समय में हमारा ये कोशिश रहा है कि हम लोगों के काम आए। इसके चलते हम लोगों ने 25 वेंटिलेटर प्रोवाइड किए हैं, 5 गवर्नमेंट हॉस्पिटल को 5-5 वेंटिलेटर दिए हैं। इसके अलावा हमने मास्क, सैनिटाइजर, ग्लोव्स, PPE किट का भी हमने प्रावधान किए हैं, और जहाँ से भी हमारे पास ये सब सामान प्रोवाइड करने के लिए रिक्वेस्ट आया है, उसको भी हमने भारतीय स्टेट बैंक के तरफ से दिए हैं। मेरा ये बोलना है कि भारतीय स्टेट बैंक देश के सबसे बड़ा बैंक है। हम बैंकिंग तो करते हैं, इसके साथ साथ हम हर भारतीय के बैंक होने के नाते हमारा ये कोशिश रहता है कि हम लोगों के काम आए।
हम लोगों को सेवा करने का हमको मौका मिले। इसीलिए कोविड 19 जैसे जैसे शुरू हुआ, मैंने खुद यहाँ जो 34 जिला है गुजरात में, 34 जिला के जितने सारे सुपरिंटेंडेंट हैं, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, मैंने उनसे खुद बात किया था। स्टेट बैंक के तरफ से मैंने उनको शुभकामनाएं दिया कि आप सचमुच में कोरोना वॉरियर हैं, और उनको ये आश्वासन दिया और भरोसा दिलाया कि कुछ भी चीज़ का ज़रूरत होगा लोगों को सेवा करने के लिए तो भारतीय स्टेट बैंक हमेशा इसके लिए तैयार है। हम हमेशा आगे आएंगे और लोगों को सेवा करने में जो मदद हम कर सकते हैं स्टेट बैंक के तरफ से, हम उसके लिए करेंगे। इसके तहत आज हम यहाँ साबरकंठा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 5 वेंटिलेटर हमने डोनेट किए हैं भारतीय स्टेट बैंक के तरफ से। हमारा विश्वास है कि ये वेंटिलेटर काफ़ी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है और ये लोगों को सेवा देने में और ये कामयाब साबित होगा, और ये मेरा विश्वास है इसी के माध्यम से ये हॉस्पिटल को जितने सारे लोग आएंगे ट्रीटमेंट के लिए, चिकित्सा के लिए आएंगे, उनका आशीर्वाद हमसे प्राप्त होगा। हम इसी इंटरव्यू के माध्यम से पूरे साबरकंठा के जितने सारे लोग हैं, ये हॉस्पिटल के जितने सारे स्टाफ हैं, यहाँ के सुपरिंटेंडेंट, डीन, CDMO और जितने सारे स्टाफ हैं, सबको भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से शुभकामनाएं देते हैं, और कोरोना वॉरियर होने के नाते उनको इतने शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपने काम में और भी कामयाबी उनको मिले और इसका फ़ायदा लोगों को मिले।